अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है टेटनस डिजीज़, जिसे उर्दू में तशंज कहा जाता है। आज जानेंगे कि तशंज क्या होता है और इसके वजूहात और अलामत कौन कौन सी हैं और इसका ट्रीटमेंट कौन सा है और इसे बचाव कैसे किया जाए। तो फ्रेंड्स, टेटनस डिजीज़, जिसे उर्दू में तशंज कहा जाता है, ये एक बैक्टीरियल बीमारी है जिससे जिस्म की पूरी हरकत ख़त्म हो जाती है। उसमें जो एक बैक्टीरिया होता है वो एक टॉक्सिन रिलीज करता है जो हमारे जिस्म और खून में शामिल हो जाता है, जिसे टेटानोस्पामिन कहा जाता है। और ये टेटानोस्पामिन हमारे दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड को टारगेट करता है। तो फ्रेंड्स, वजूहात की बात करें, उसकी वजह क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई बैक्टीरिया होता है और वो ग्राम पॉजिटिव राड शक्ल में होता है। ये इंसान के जिस्म में खून में कहीं से दाखिल हो जाता है। जब भी किसी इंसान को चोट लगती है तो उसका जो ज़ख्म होता है, बैक्टीरिया के स्पोसिस मट्टी रेत में मौजूद होते हैं और वो ज़ख्म जब उस मट्टी और रेत से गंदा होता है तो वो उस पर हमला कर देता है। या ऑपरेशन थिएटर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं उनका सही से स्टरलाइजेशन नहीं हुआ होता और उन पर उस बीमारी के स्पोसिस लगे होते हैं जब भी ये हमला करता है। अलामत की बात करें तो बीमार को झटके आना शुरू हो जाते हैं, सर दर्द होता है, बुखार होता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, जिस्म के मसल्स खिंच जाते हैं, जबड़े खिंच जाते हैं। तो इलाज की बात की जाए तो अक्सर पेनिसिलिन या मेट्रानेडाजोल की दवाई दी जाती है और टेटनस अमीनोग्लोबिन दिए जाते हैं और रिस्पायरेटरी सपोर्ट दी जाती है, मसल्स रिलैक्सेट की मेडिसिन दी जाती है। तो फ्रेंड्स, अब बात करें बचाव की, तो टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन आता है जो वक्त से पहले लगाकर खुद को बचाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, कुछ अहम सवालात की बात करते हैं जो वैक्सीनेटर की टेस्ट के लिए पूछे जाते हैं। टेटनस तशंज किस बैक्टीरिया से होता है? तो ये क्लोस्ट्रिडियम टेटनस से होता है। क्लोस्ट्रिडियम टेटनस कैसे फैलता है? तो इसका जवाब है, इंसान और जानवरों के पाखाने से निकलकर हवा में खास शक्ल अख्तियार कर लेता है, फिर इंसान के जख्म या कट में दाखिल होकर जहर फैलाता है। तशंज से औरतों को कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? तो इसका जवाब है टीटी, बैक्टीरिया के जहर से बनाई गई। ईपीआई सिंध में टीटी वैक्सीन कब शामिल किया गया? तो 1979 को शामिल किया गया। टीटी से क्या मुराद है? तो इसका जवाब है टेटनस टॉक्साइड। टीटी वैक्सीन को किस दर्जा हरारत पर स्टोर करें? तो इसका जवाब है मुसबत 2 से मुसबत 8 दर्जा हरारत पर। वैक्सीन तैयार करने के बाद कितने टाइम में इस्तेमाल कर देनी चाहिए? तो इसका जवाब है दौरान फील्ड 6 घंटे और सेंटर में 28 दिन तक इस्तेमाल की जा सकती है। टीटी वैक्सीन किस उम्र की औरतों को लगती है? तो इसका जवाब है 15 to 49 ईयर्स की औरतों को लगती है। टीटी वैक्सीन का रूट और डोज बयान करें? तो इसका जवाब है 0.5 cc इंट्रामस्कुलर बाएं बाजू पर 90 डिग्री एंगल पर लगाया जाता है। टीटी वैक्सीन का ईपीआई का शेड्यूल बयान करें? तो इसका जवाब है पहला टीका पहली मुलाकात में, दूसरा टीका 4 हफ्ते बाद, तीसरा टीका 6 माह बाद, चौथा टीका 1 साल बाद, पांचवा टीका 1 साल बाद। और इसका जो तहफ़ है वो पहले टीके पे तहफ़ बिल्कुल भी नहीं होगा, दूसरे पे 3 साल तहफ़ होगा, तीसरे पे 5 साल तहफ़ होगा और चौथे पे 10 साल तहफ़ होगा और पांचवें पे पूरी ज़िंदगी तहफ़ होगा।